आज हम लोग बनाएंगे, मतलब हम लोग नहीं, मैं बनाऊंगी पोहा। तो मैंने ये जो बंगाली में हम लोग इसको चीरा बोलते हैं वो मैंने ले लिया है, और जो पोहा है इसका मतलब ये, इसी को मुझे फ्राई करना है। तो मुझे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो इसलिए मैं घर पे ये था, तो मैं सोची इसको ही बना देती हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सी रेसिपी है, घर पे जो वेजिटेबल्स वगैरह होंगे उसी से मैं बनाऊंगी, कोई मसाला कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए बनता कैसे है। तो मैंने सब्जी ली है, वो मैंने से कद्दूकस कर लिया है। इसमें है शिमला मिर्च, प्याज, फूलगोभी, लहसुन, ये चारों चीज़ें है। मैं गाजर देने की सोची थी मगर घर पे गाजर नहीं था इसलिए गाजर नहीं दे पाई। अगली बार जब बनाऊंगी तब गाजर से बनाऊंगी तो ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। तो कढ़ाई में मैं तेल डाल दूंगी, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा ही तेल डालूंगी। इसके बाद इसमें वेजीज वगैरह डाल के उसको फ्राई करके मैं पोहे को धो लेती हूँ पहले। जीरा मैंने डाल दिया, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो सब्जी, आप टमाटर वगैरह भी ले सकते हैं, तो मैंने नहीं लिया टमाटर। अभी इसमें हम लोग डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपके पास सामान होगा उसी हिसाब से आप नमक डालेंगे। अभी थोड़ा फ्राई होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा हल्दी डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सब देख सकते हैं मैंने पोहे को डाल दिया है। अब तो मन है तो आप ऐसे भी सिर्फ फ्राई करके निकाल सकते हैं, मगर मैं थोड़ा पानी लूँगी, जहाँ पे मैंने वो सब कुछ सब्जी काटा था उसी का पानी में डाल दूँगी। पानी डालने से क्या होता है, ये थोड़ा बॉयल हो जाएगा और थोड़ा गीला होगा, तो गीला पोहा खाने में भी टेस्टी ज़्यादा होता है। अभी थोड़ा इसको पकने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये बन के तैयार हो चुका है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सिर्फ पोहे को 5 मिनट या कुछ मिनटों के लिए भिगो के रख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी होगा, क्योंकि वो थोड़ा नरम होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने तो दिखा ही दिया, आपको थोड़ा पानी देना है कि वो थोड़ा बॉयल हो जाए सब्जी वगैरह। ये देखिए, और ये आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम खा सकते हैं, आपको जब मन हो तब खा सकते हैं। अभी मैं खाऊंगी इसे।